पहले का ही मामला है भाई, वो तो प्रोसीजर होता है, चार्जशीट होता है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट होता है। इसके बाद कोर्ट जो है समन करेगा, समन करा करके बिल लेना होगा। तो ये तो जो प्रक्रिया है ये तो है ही ना, इससे पहले भी कई बार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा था आपको मन से चुनौती दी थी चुनाव के समय कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा, आपको लगता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ये सब बातें वो कह गए थे पहले? कोई मतलब नहीं है समझे, ये तो उस समय बोल करके यही साबित कर रहे थे कि सब चीज़ वही कराते हैं, निकालते भी वही हैं, बचाते भी वही हैं। जो नीतीश कुमार जी का इकबाल ख़त्म हो गया है, इनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थके हुए मुख्यमंत्री हैं। दिलीप जायसवाल आपको मंदिर में आने की चुनौती दे रहे हैं मंदिर में, और कसम खाए कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। किस लिए भ्रष्टाचार? अब कितना 18 महीना हम रहे डिप्टी सीएम 2015 में, 21 में 22 में जब हम बने तो 17 महीने थे, कौन सा भ्रष्टाचार किया था बता दें? 17 साल से बैठे हुए हो, तुम लोग को यही नहीं पता कि हम भ्रष्टाचार क्या किए हैं? मंदिर में जाने की बात तो अलग है, कहीं जाना हो कुछ भी हो, लेकिन हम तो अपने कोर्ट में अपना पक्ष तो रख ही रहे। चुनिंदा मंत्री जो है, जो चुनिंदा जो मंत्री हैं उनकी सुरक्षा जो है बढ़ाई जा रही है। कई ऐसे दलित नेता हैं, कई ऐसे पिछड़े नेता हैं जिनको सुरक्षा नहीं दी गई है। क्या श्रवण कुमार जी को सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए था? क्या सदा जी को सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए था? 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जैसे ही हेलीकॉप्टर रुकेगा वैसे ही तेजस्वी जेल जाएंगे। उसके बाद देखिए लैंड फोर्ड जॉब मामले में आज सुनवाई होना है, और उसको लेकर के जब सवाल किया गया कि क्या तेजस्वी यादव आप जेल जाएंगे, वहीं पर जिस तरीका से बिहार में मंत्री और सांसद को सुरक्षा प्रदान की गई है उसमें भी चुनिंदा, उसको लेकर के भी तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। आंकड़े जो हम लोगों के सामने जो आए हैं, बिहार जो है सबसे अंतिम स्थान है उसका, बेरोजगारी में बिहार नंबर वन है, गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में बिहार जो है पूरी तरीके से नंबर वन हो चुका है। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, उसमें बाकायदा ट्वीट में इसका जिक्र भी किया गया है। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध में बिहार नंबर वन है, इन सारी चीज़ों में जब बिहार नंबर वन है और ये 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बिहार में भी, फिर भी लगातार जो है हर चीज़ में जो नकारात्मक चीज़ें हैं जिससे जनता को मुक्ति चाहिए उससे जो है मुक्ति जनता नहीं पा पाने, यानी नीतीश कुमार जी पे साफ इनके सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है। और ये तो आंकड़े अब सार्वजनिक हो गए, अब कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन आंकड़ों को तो झुठलाया नहीं जा सकता। जो सच्चाई है उसको हमने बात को अपना रखा है, और पूरी तरीके से हम बार बार बोलते रहे हैं नीतीश कुमार जी का इकबाल ख़त्म हो गया है, इनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थके हुए मुख्यमंत्री हैं, और जो भाजपा के लोग हैं ये लोग सत्ता के लोभी हैं, इनको जनता से कुछ नहीं लेना देना, केवल अपने को सत्ता में बैठ के मलाई कैसे खाना है इन्हीं कामों में ये लोग लगे हुए हैं। अरे तो पहले का ही मामला है भाई, वो तो प्रोसीजर होता है, चार्जशीट होता है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट होता है। इसके बाद कोर्ट जो है समन करेगा, समन करा करके बिल लेना होगा। तो ये तो जो प्रक्रिया है ये तो है ही ना, इससे पहले भी कई बार किया गया है। हालांकि एक न्यायालय का मामला जो है न्यायालय में रखा जाता है, और मजबूती के साथ हम लोग जो है अपना पक्ष रख रहे हैं। दिलीप जायसवाल आपको मंदिर में आने की चुनौती दे रहे मंदिर में, और कसम खाए कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। किस लिए भ्रष्टाचार? अब कितना 18 महीना हम रहे डिप्टी सीएम 2015 में, 21 में 22 में जब हम बने तो 17 महीने थे, कौन सा भ्रष्टाचार किया था बता दें? किस चीज़ का भ्रष्टाचार किया है पहले वो बताए तो, क्या भ्रष्टाचार किया है? 17 साल से बैठे हुए हो, तुम लोग को यही नहीं पता कि हम भ्रष्टाचार क्या किए हैं पहले ये तो बता दे। खैर जो भ्रष्टाचारी हैं ये लोग तो उन लोगों के संरक्षक हैं, जो अपराधी है ये उन लोगों के संरक्षक हैं,
तो इन लोगों से क्या बहस किया जाए। और हम मंदिर में जाने की बात तो अलग है, कहीं जाना हो कुछ भी हो, लेकिन हम तो अपने कोर्ट में अपना पक्ष तो रख ही रहे। भाजपा को तो अंतिम फैसला तो कोर्ट ही को ना करना है। चलिए अब लगातार बिहार में चुनिंदा मंत्री जो है, जो चुनिंदा जो मंत्री हैं उनकी सुरक्षा जो है बढ़ाई जा रही है। यानी ये तय हो गया कि मंत्री भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहे, तो सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। लेकिन कई ऐसे दलित नेता हैं, कई ऐसे पिछड़े नेता हैं जिनको सुरक्षा नहीं दी गई है। क्या श्रवण कुमार जी को सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए था? क्या सदा जी को सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए था? जो कबरू जामा जो मंत्री हैं अल्पसंख्यक समुदाय से आते, क्या उनको सुरक्षा? जमा खान तो जमा खान को क्या वो नहीं मिलना चाहिए था सुरक्षा? तो सवाल तो पैदा होता है कि चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता है, ये क्या बात है? तो तय ये हो रहा है कि जनता जो है मारी जा रही है और ये लोग जो हैं आपस में सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और एनसी का अलायंस हुआ है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का, इसमें भाजपा सवाल खड़े कर रही है कि राहुल गांधी चाहते क्या है? जब वो पीडीपी से किए थे तो अच्छा था ना, क्या ये लोग कोई लॉजिक नहीं है ना, कुछ भी बोलना है प्रतिक्रिया देना तो कुछ भी बोल दे। इस समय प्रधानमंत्री ने कहा था आपको मन से चुनौती दी थी चुनाव के समय कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा, आप लगता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ये सब बातें वो कह गए थे पहले? कोई मतलब नहीं है समझे, ये तो उस समय बोल करके यही साबित कर रहे थे कि सब चीज़ वही कराते हैं, निकालते भी वही हैं, बचाते भी वही हैं। जो भाजपा के सामने झुकेगा उसको जेड प्लस सुरक्षा मिल जाएगा, मंत्री बना दिया जाएगा या कहीं आयोग का चेयरमैन बना दिया जाएगा, मलाईदार जगह पे भेज दिया जाएगा, गवर्नर बना दिया जाएगा, और जो नहीं झुकेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो सिद्ध है ना भाई। तो आपने सुना उनका कहना है कि देखिए यही लोग फंसाते हैं और यही लोग बचाते भी हैं, लेकिन उन लोगों के सामने अगर झुक जाइएगा तो बच जाइएगा और नहीं झुके तो सीधे जेल के अंदर जाइएगा। वहीं पर सुरक्षा को लेकर के भी कहा है कि देखिए चुनिंदा मंत्री और सांसद को ही क्यों दिया गया है, जबकि श्रवण कुमार हैं, रत्नेश सदा हैं और जमा खान, इन लोगों को क्यों नहीं मिला है? इससे पता चल रहा है कि बिहार में अपराध बढ़ गए हैं, वहीं महंगाई को लेकर के भी सीएम नीतीश कुमार पे तेजस्वी यादव खूब बरस रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।